रायसेन, रायसेन से कौन सी नदी निकलती है? रायसेन में एक गांव पड़ता है कुमरा गांव, और कुमरा गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा का पुराना नाम बेतरावती है, इसे अर्थात शिव की पुत्री कहा जाता है। लंबाई की बात की जाए तो कितना है, 480 किलोमीटर है। यहां से जैसे ये निकली तो एक स्थान पड़ता है भोजपुर, आपने सुना होगा, किस नदी के तट पे है? तो आंसर होता है बेतवा नदी के तट पे है। आगे जैसे ये बहती है तो प्रसिद्ध स्थल आता है जिसको बौद्ध स्थल कहा जाता है, सांची। और सांची में ही क्या है, बौद्ध स्तूप है। यही बौद्ध स्तूप आप देख रहे होंगे 200 के नोट पर अंकित होके आ रहा है। आगे चल के एक नदी मिलती है इसमें बीना, और बीना का उद्गम बीना जल आपने सुना होगा, बीना से होता है। और यही बीना, बीना से बीना नदी निकलती है। आगे जाके बीना पे है तेल रिफाइनरी। ये पूछता है किस देश की सहायता से बनी है, तो ये बनी है ओमान की सहायता से। यही बीना नदी जाके कहाँ पहुंचती है, सागर, सागर में पहुंचती है। आपने सुना होगा सागर में ही सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है, नौरा देही अभ्यारण्य। इसी के समीप से ये नदी निकलती हुई यहाँ पे एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। और भालकुंड जलप्रपात बहुत खूबसूरत जलप्रपात है। ये पूछता है किस नदी पर है, तो बीना नदी पर है। यहीं पे एक स्थान पड़ता है एरड, ये इतिहास से संबंधित है एरड। और इतिहास से संबंधित होने के कारण ये पूछता है कि सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो आंसर होता है एरड अभिलेख जो है यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। भारत में बात की जाए सती प्रथा के क्षेत्र में अग्रिम क्रांति कौन लाए थे, राजा राम मोहन राय लाए थे। और गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपने नाम सुना होगा। यह नदी बीना नदी जाके कहाँ मिल जाती है, बेतवा में मिल जाती है। और आगे चल के एक स्थान पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, बिदसा। बिदसा किस नदी के तट पे है, तो आंसर होता है बेतवा नदी के तट पे है। इसका पुराना नाम भेलसा था। यहीं पर आगे चल के सम्राट अशोक बांध बनाया गया है, क्योंकि कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा था कि सम्राट अशोक की जो ससुराल मानी जाती है वो बिदसा को कहा जाता है। आगे चल के जाती है तो चंदेरी, आपने सुना होगा, ये साड़ियों के लिए फेमस है, साड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ की साड़ी को जीआई टैग प्रस्तावित है। चंदेरी भी पूछता है किस नदी के तट पे है, तो आंसर होता है बेतवा नदी के तट पे है। आगे चल के यूपी में माता टीला बांध, यूपी क्योंकि ये नदी है, तो ये पूछता है मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आंसर होता है कौन सी नदी बनाती है, बेतवा नदी बनाती है। यहीं पर एक बांध पड़ता है जिसको बोला जाता है राजघाट बांध, या दूसरा नाम माता टीला बांध। ये कहाँ है, ये बेतवा नदी के तट पर यूपी में पड़ता है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर। यहीं पे आगे जाके फिर ओरछा के समीप आती है जो कि टीकमगढ़ का स्थान है, प्रसिद्ध। भारत का पहला रामायण संग्रहालय जो बना था वो कहाँ बना था, ओरछा में बना था। ओरछा किस नदी के तट पर है, तो आंसर बोलता है बेतवा नदी के तट पर है। और यहीं पर है एक घाट पड़ता है कंचन घाट, कौन सा घाट ये पूछा गया है, कंचन घाट। और इसी के पास एक डैम पड़ता है परीक्षा बांध, किस नदी पर है, तो आंसर होता है बेतवा नदी के तट पर है। यहाँ पे ही देवगढ़ पड़ता है, एक स्थान है जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। आगे चल के ये उत्तर प्रदेश के जालौन से हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है।